हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी। आज हम बात करेंगे मूवी एलियन वर्सेस प्रेडेटर, जो कि रिलीज़ हुई थी 2004 में। IMDb पे से मिली है 5.6 आउट ऑफ 10 एंड बॉक्स ऑफिस पे इट वाज अ हिट। मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होती है इन द ईयर 2004 एंड हम एक बहुत बड़ी कंपनी वेलियन इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। वेलियन इंडस्ट्रीज़ के सैटेलाइट को नॉर्वे के एक एरिया में हीट सिग्नेचर डिटेक्ट होते हैं एंड ये जगह एंटार्क्टिका से लगभग 1000 मील दूरी पे एक आइलैंड पर रहता है। वेलियन इंडस्ट्रीज़ के साइंटिस्ट को पता चलता है कि वहाँ पर ज़मीन के 2000 फुट नीचे एक पिरामिड थी। वेलियन इंडस्ट्रीज़ का ओनर चार्ल बिशप वेलियन था एंड एक बहुत ही अमीर आदमी रहता है। वो इस पिरामिड को बाकी कंपनी से पहले डिस्कवर करना चाहता था, इसलिए वो इस एक्सपेडिशन के लिए दुनिया के बेस्ट लोगों को बुलाकर एक टीम बनाता है, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट, पुराने लैंग्वेज जानने वाले एक्सपर्ट्स, ज़मीन खोदने वाले एंड प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स रहते हैं। इस टीम को लीड कर रही थी लेक्सा, जो कि इस जगह के लिए टॉप गाइड थी, एंड चार्ल्स खुद भी इनके साथ जा रहा था। ये लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले ही एक एलियन शिप अर्थ का एटमॉस्फेयर पर आकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजर पिरामिड की ओर शूट करता है एंड वहाँ से चले जाता है। इंसानों की टीम जब इस जगह पर आते हैं, वो देखते हैं कि इस जगह ऑलरेडी से ही एक स्टेशन पहले से है, लेकिन ये स्टेशन पूरा खाली था। इन्हें ये समझ नहीं आता है कि यहाँ पर ये किसने बनाया था। फिर उन्हें एक टनल दिखती है जो पूरी ज़मीन के अंदर पिरामिड तक जा रही थी। ये टनल उसी एलियन शिप ने बनाया था जिसे हमने पहले देखा था। अभी लोग बिना अपना दिमाग लगाए पूरा टीम टनल से पिरामिड के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर पिरामिड में उन्हें इंसानों के 1000 साल पहले होने की निशानी मिलती है। आगे जाने पर इन्हें सेक्रीफाइशियल चेंबर मिलती है, जहां पर इंसानों के कंकाल थे एंड ये कंकाल की रिब्स सारी टूटी हुई थी। इन सब के साथ क्या हुआ था इन्हें ये पता नहीं चलता, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि इस पिरामिड में एक राज था एंड वो राज था कि एलियंस की क्वीन को प्रेडेटर ने यहाँ पर ट्रैप किया हुआ था। इनके आने की वजह से क्वीन अपनी क्रायोस्लिप से जाग चुकी थी एंड उठते ही वो अंडे देना शुरू कर देती है। टीम को थोड़ी देर बाद एजटेक कैलेंडर मिलती है एंड उन्हें पता चलता है कि 100 साल पहले 1904 में यहाँ पर ज़मीन के ऊपर लोग स्टेशन में काम किया करते थे, लेकिन तब ऐसा कुछ हुआ था जिससे सारे लोग गायब हो जाते हैं। शायद वो सारे कंकाल उन्हीं के थे। सेबेस्टियन कैलेंडर की लॉक को डेट के हिसाब से सेट करता है, जहां अंदर इन्हें एलियन टेक्नोलॉजी की 3 प्लाज्मा कैनन गन मिलती है। ये हथियार एलियंस ने यहां पर रखी थी, क्योंकि वो हर 100 साल में एक बार यहां पर आकर एलियंस को हंट करके एक गेम खेलते थे, लेकिन वेलियन इंडस्ट्रीज़ को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। सेबेस्टियन इन प्लाज्मा गन्स को पुरानी रिलिक समझकर अपने पास रख लेता है। इसी दौरान स्कार, सेल्टी और चॉपर नाम के 3 प्रेडेटर्स आते हैं, जो कि एलियन शिप से उतरकर सीधा पिरामिड के अंदर आ चुके थे। इंसान गलती से पिरामिड के सैक्रिफाइशियल चेंबर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे ये लोग अंदर ही फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद एलियंस के एग हैच होने लगती है एंड इनके अंदर से फेसअगर्स बाहर आते हैं। फेसअगर्स इंसानों की प्रेजेंस को महसूस कर सकते थे एंड वो लोग इंसानों के चेहरे को जकड़ लेते हैं, जिससे वो लोग अंदर एग्स दे देते हैं, जिसके कारण जन्म ऑफ एलियंस जन्म लेते हैं। फेसअगर्स लगभग हर किसी को इन्फेक्ट कर देते हैं एंड सबके अंदर से जन्म ऑफ बाहर आते हैं उनकी छाती फाड़ कर। अब इस पिरामिड में 3 स्पीसीज थे जो एक दूसरे के रास्ते में खड़े थे, प्रेडेटर्स, एलियंस और इंसान। बचे हुए इंसानों में से अब एलेक्सा, सेबेस्टियन, लेक्स और वेलेंड ही थे, क्योंकि सेबेस्टियन ने पहले प्लाज्मा गन्स अपने पास रख लिया था। प्रेडेटर्स एलियन से जीत नहीं पाते एंड यहाँ पर 2 प्रेडेटर्स की मौत हो जाती है। एक प्रेडेटर जो बच गया था, वो सीधे इंसानों को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच जाता है। इसी दौरान एस्टिक कैलेंडर हर 10 मिनट में पिरामिड के स्ट्रक्चर को बदल देता है, जिससे एक भूलभुलैया क्रिएट हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए वेलेंड और बाकी सब यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर्स कार यहाँ पर आकर वेलेंड को पकड़ लेता है। प्रेडेटर अपनी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी से देखता है कि वेलियन ऑलरेडी बीमार है एंड उसे लंग कैंसर था, वो जल्दी मरने वाला था, इसलिए प्रेडेटर उसे छोड़ देता है। लेकिन पीजी से वो फ्लेम थ्रोअर की मदद से प्रेडेटर पर अटैक करता है एंड प्रेडेटर उसे मार डालता है। अब इंसानों में बस लेक्स और सेबेस्टियन ही बच जाते हैं, जो कि एक जगह पर छिपकर प्रेडेटर को चुपचाप देख रहे थे। तभी एक फेसअगर आकर प्रेडेटर की फेस को जकड़ लेता है, लेकिन प्रेडेटर जल्द ही फेसअगर को अपने चेहरे से हटा लेता है। लेक्स और सेबेस्टियन पिरामिड के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें पूरी कहानी पता चलती है। प्रेडेटर्स दरअसल एक वॉरियर स्पीसीज हैं, जो कि अर्थ पर करोड़ों साल पहले आकर इंसानों को पिरामिड बनना सिखाए थे। अभी लोग इतने ताकतवर और एडवांस थे, इसलिए इंसान इन्हें भगवान समझकर पूजा करते थे। एलियंस हर 100 साल में अपने होम प्लेनेट से अर्थ पर आकर इस पिरामिड की गेम राइट ऑफ पैसेज को खेलने आते थे,
जहाँ पर कई सारे इंसान खुद को सैक्रिफाइस करते थे इन्हें खुश करने के लिए, एंड फेसअगर्स इंसानों को इन्फेक्ट करते थे एंड जेनम ऑफ एलियंस क्रिएट हो जाते थे। प्रेडेटर्स खुद ही इन्हें क्रिएट करते थे और इन्हें हंट करते थे। इस हंट में जो भी प्रेडेटर जीतेगा उसे अपने होम प्लैनेट पर उतना सम्मान और हाई रैंक मिलेगा। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया कि अगर एलियंस प्रेडेटर पर भारी पड़े, प्रेडेटर्स के पास ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट वेपन रहता है। लेकिन इससे बस वो लोग ही नहीं बल्कि पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नाउ बैक टू स्टोरी, ये स्टेशन एग्जैक्टली 100 साल पहले अबैंडन हुआ था। अकॉर्डिंग टू लेक्स एंड सेबेस्टियन, ये लोग पता लगाते हैं कि तब भी इसी तरह से 100 साल पहले प्रेडेटर आए थे एंड एलियंस का शिकार करते थे। इस बार भी प्रेडेटर्स ने जानबूझकर पिरामिड पर हीट ब्लूम डाला था जिससे यहाँ पर इंसान खींचे चले आए थे। अब सेबेस्टियन और एलेक्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग प्रेडेटर को ढूंढ कर उसकी प्लाज्मा गन उसे वापस कर देंगे, वरना अगर एलियंस अर्थ की सरफेस पर पहुँच जाएंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पीछे से एक जेनोमॉर्फ एलियन आकर सेबेस्टियन को मार डालता है। पूरे पिरामिड में बस अब लेक्स ही अकेली इंसान बची थी। प्रेडेटर उसे पकड़ लेता है एंड उसे मारने वाला रहता है, लेकिन उसे रोक कर उसे अपना प्लाज्मा गन वापस दे देती है। इसी दौरान एक एलियन इन पे हमला करता है जिसे लेक्स प्रेडेटर के भाले की मदद से मार गिराती है। प्रेडेटर यहाँ पर लेक्स को एज ए वॉरियर अनाउंस करता है। एलियन सब लेक्स और प्रेडेटर के पीछे पड़ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि एलियंस की क्वीन भी अपने एसिडिक ब्लड की मदद से अपने कैद से आज़ाद होकर इन पर हमला कर देती है। प्रेडेटर लेक्स के साथ मिलकर पिरामिड से बाहर आ जाता है एंड अंदर एक बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन एलियंस की क्वीन इस बॉम्ब से बच जाती है एंड इन दोनों के पीछे पड़ जाती है। लेक्स और प्रेडेटर एलियन क्वीन को हरा देते हैं, लेकिन इस फाइट में स्कार बहुत ही जख्मी हो जाता है। अब इनके ऊपर एक एलियन शिप आती है एंड इससे बहुत सारे प्रेडेटर्स आकर स्कार को अपने साथ वापस ले जाते हैं। प्रेडेटर्स का लीडर लेक्स को स्कार की मदद करने के लिए एक वेपन इनाम के तौर में देता है एंड फिर इसके बाद प्रेडेटर्स अपने होम वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। शिप में हम स्कार की बॉडी के अंदर में से जस्ट बस्टर एलियन को बाहर आते देखते हैं, जो कि जेनोमॉर्फ और प्रेडेटर्स का हाइब्रिड था, एंड मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। ये थी एलियन वर्सेस प्रेडेटर की फर्स्ट पार्ट। तो कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डू सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।